हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ग्लूटाथायोन के बारे में बात करने वाली हूँ फिर से। मैं पहले भी इसके बारे में अपने चैनल पर वीडियोस बना चुकी हूँ और स्पेशली आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी ग्लूटाथायोन पे, वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने कब स्टार्ट करा था, फर्स्ट टाइम मैंने कब लिया था ग्लूटाथायोन और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा इंजेक्शंस के साथ, कैप्सूल्स के साथ या टैबलेट्स के साथ, क्यों लिया है, सारी स्टोरी है वहां पर। तो उस फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज मैं मेन फोकस करने वाली हूँ आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं मेरी ग्लूटाथायोन की वीडियो पर, और क्या साइड इफेक्ट्स है, तो थोड़े साइड इफेक्ट्स भी इसके बताऊंगी जिसके बारे में मुझे पता है, जो मुझे डॉक्टर ने बताया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट डर्मेटोलॉजी। मेरा 15 साल से या ज्यादा ही हो गया होगा, आई 12 और 13, मैं तब से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेगुलर बेसिस पे जा रही हूँ, क्योंकि कोई स्किन की प्रॉब्लम रही थी, कभी एक्ने, कभी डार्क स्पॉट्स, कभी कुछ, तो एक रेगुलर बेसिस पे मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं गई हूँ, दिल्ली के जो है सफदरजंग में, एम्स, राम मनोहर लोहिया, और प्राइवेट में गंगाराम। तो वहां पर बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मैं डिस्कस करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, जब तक वो अपने बाल ना नोचने लगे तो मैं बहुत सवाल करती हूँ ताकि जो भी सारी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए और मैं आप लोगों को भी बता सकूं। अब देखिए, ग्लूटाथायोन क्या होता है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही चल गया होगा, आपने देखा होगा कि ग्लूटाथायोन से स्किन लाइटनिंग, व्हाइटनिंग, और व्हाइटनिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, प्लीज बुरा मत मानना। अब जैसे ये कुछ ब्लैक है, ठीक है, अब ये कोई व्हाइट नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा नहीं होगा, बुरा मत मानना इस चीज का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि व्हाइटनिंग का मतलब व्हाइट हो गए। Nobody wants to become white. कोई white बन जाएगा तो भूत लगेगा, तो whitening नहीं होता है किसी चीज से। Skin tone थोड़ा सा light हो सकता है, एक दो शेड, या फिर skin पे glow आ सकता है, but if you're thinking कि पूरा ही हमारा एकदम ही color change हो जाएगा, इससे पूरब का पश्चिम हो जाएगा, so that is not going to happen. फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अरे हीरोइन कैसे गोरी हो गई, काजोल है, दीपिका है, तो देखिए ये लोग बाहर से ट्रीटमेंट कराते हैं। मेरी कोई ऐसे पर्सनल दोस्ती तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि कौन से डॉक्टर से या कौन से हॉस्पिटल से कराते हैं, इतना तो नहीं पता, बट जितना पता है मैं वो आपको बता रही हूँ। और लोग यहाँ से भी कराते हैं, यहाँ पे भी रिजल्ट मिलते हैं, पर इतनी कोई श्योरिटी नहीं है, और यहाँ से तो देखिए बेटर ही होता है क्योंकि आप सर्जरीज के लिए भी जाते हैं, जैसे काफी सारे लोग सर्जरीज करा लेते हैं, राइनोप्लास्टी जो नाक की होती है, लिप्स के लिए करा लेते हैं, बालों के लिए करा लेते हैं, इंडिया में भी रिजल्ट्स है, पर फेल के भी रिजल्ट्स बहुत सारे, काफी सारी एक्ट्रेस ने जो इंडिया से सर्जरी कराई है तो वो फेल भी हुआ है, और जो लोग बाहर से करा रहे हैं तो रिजल्ट्स बेटर मिल रहे हैं। और देखिए इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, अगर कोई ये ले भी रहा है ना ग्लूटाथायोन, इतना एक्सपेंसिव है, ठीक है, आपने एक टाइम के लिए ले लिया तो टेम्पररी है, ये मेंटेनेंस पूरी जिंदगी आपको करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस में सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको इंजेक्शंस और टैबलेट्स ही लेने हैं, बहुत सारी चीजें, आपका पूरा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, उस सबकी स्किन तो ठीक होगी ही, बॉडी के लिए भी, दिमाग के लिए, बालों के लिए, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा, वरना सिर्फ आपको टेम्पररी रिजल्ट मिलेगा। और मेरा एक्सपीरियंस ग्लूटाथायोन के साथ ठीक ही रहा है, और मैंने आपको पूरा बताया इसके बारे में अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा। और मुझे रिजल्ट्स ठीक मिले थे, पर टेम्परेरी होते हैं, आप जब तक खाएंगे तब तक ही मिलेंगे। और ब्रांड बहुत ही ध्यान से चूज करिए, किसी ऑथेंटिक अच्छे ब्रांड के ग्लूटाथायोन के लिए ही जाइए। आप लोग मुझे बोले थे कि ग्लूटाथायोन बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है कुछ और बताने के लिए, तो मैं आपको एक नाम बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, नाम लिख लीजिए आप, रीस्ट्राटा करके, मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगी, रीस्ट्राटा करके ग्लूटाथायोन आती है, आपको शायद ऑनलाइन नहीं मिले, आप चेक कर सकते हैं, पर ऑनलाइन का भी मुझे पता नहीं असली दे रहे कि नकली दे रहे हैं, तो आप अपने घर के पास किसी केमिस्ट को बोल दीजिएगा कि वो मंगवा दे, 590 रुपीज की 10 ये टैबलेट्स आती है, आप एक महीने खाकर देखिए, आपकी, अब फिर मेरे को बोलेंगे कि ये मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, मैं देखिए ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है नहीं करो, मैं कोई ऐसा यहाँ पे रंग भेद नहीं कर रही हूँ, प्लीज इस चीज को समझिए, लोगों की अपनी मर्जी है, मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं ऐसे भी खुश हूँ, मैं अगर मेरा लाइट हो जाता है तो मैं वैसे भी खुश हूँ, और मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मेरे को गोरा बनना है तो मेरे को कोई गोरा नहीं बनना है, पर मेरा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताई थी कहानी, मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी, मेरे
स्किन का और बॉडी कलर थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से मैं ले रही थी. या तो कभी कोई फंक्शन होता है, आने वाला होता है, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है, तो मैं एक महीने डेढ़ महीने पहले लेना स्टार्ट कर देती हूँ तो स्किन थोड़ी बेटर लगने लगती है. तो आप उसमें रीस्ट्राटा खा सकते हैं. आप एक महीने खा के देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो चलिए बढ़िया बात है, नहीं मिलते हैं तो देखिए तब ये ऐसा होता है कि आपको ग्लूटाथियोन के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं. उसमें ये होता है कि आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है. अब ग्लूटाथियोन का काम ही होता है बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को बैलेंस करना, उसको एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना. तो अगर बॉडी में पहले से ही टॉक्सिन्स भरे होंगे, समझ रहे हैं, टॉक्सिन ज्यादा होंगे तो पहले तो वो टॉक्सिन्स को खत्म करेगा, उसके बाद ही ग्लूटाथियोन का साइड इफेक्ट जो होता है स्किन लाइटिंग वो तभी दिखना स्टार्ट होगा ना. तो ग्लूटाथियोन का रिजल्ट देखने के लिए भी आपको डेढ़ से दो महीने वेट करना पड़ेगा. और जो मैंने आपको ये ब्रांड बताया है रीस्ट्राटा, ये मुझे भी डाउट था इसके बारे में, क्योंकि पहले मुझे प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर ने बताया कि आप रीस्ट्राटा लेना स्टार्ट कर दो, तो मैंने नहीं लिया. फिर मैंने यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया, वहां के भी डॉक्टर ने मुझे रीस्ट्राटा ही बताया. फिर क्या कहते हैं, ये गंगाराम के डॉक्टर ने भी मुझे रीस्ट्राटा ही बताया. तब मुझे भरोसा हो गया, मैंने रीस्ट्राटा ली. मुझे एक महीने में ही डिफरेंस दिखा, एक से डेढ़ महीने में, ठीक है. स्किन पे थोड़ा सा ग्लो आया मेरा, ऐसा नहीं कि एकदम ही पूरा जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे का ऐसे नहीं हो गया, थोड़ा सा बेटर लगा, ग्लो लगा और थोड़ा सा लाइट लगा स्किन टोन, बस ये फर्क आया. पर डॉक्टर ने देखिए मुझे ये चीज बताई कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं. फर्स्ट टाइम जब मैं ग्लूटाथियोन के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी प्राइवेट क्लिनिक में, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लो, विटामिन डी और B12 का, क्योंकि उसकी कमी हो सकती है ग्लूटाथियोन लेने से. तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर इसकी कमी है तो साथ में विटामिन डी और B12 के भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. और मुझे फिर दूसरे डॉक्टर ने बताया गंगाराम में कि ग्लूटाथियोन के साथ विटामिन डी और B12 लेना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी कमी होती है, स्पेशली औरतों को. तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी और B12 की कमी हो जाएगी. तो अगर आप ग्लूटाथियोन ले रहे हैं तो साथ साथ विटामिन डी और B12 भी लेना पड़ेगा. देखिए मुझे तो ग्लूटाथियोन के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट नहीं दिखे, पर मेरी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन B12 और डी की डेफिशिएंसी थी, तो वो अभी मुझे कवर करना है. तो हो सकता है उसके मैं सप्लीमेंट्स लूंगी अभी आगे. और अगर आपको कुछ और भी साइड इफेक्ट दिखते हैं, जो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जैसे गैस की प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं, किसी को गैस हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, खाना पचने में दिक्कत हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टियां हो रही है, अगर कंटिन्यूअसली आपके साथ एक हफ्ते तक ऐसा हो रहा है तो आप ग्लूटाथियोन लेना बंद कर दीजिए. एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को ये सब बताइए, उनको कंसल्ट कर लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं, वो आपको इसके बारे में बेटर बताएंगे, तो उनसे जरूर सलाह ले लीजिए. और देखिए अगर आप प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है, आप कोई मेडिकेशंस पर है, तो आपको मेरे ख्याल से तो ग्लूटाथियोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्लूटाथियोन से B12 और विटामिन डी की कमी हो सकती है. तो बेटर है कि आप ना ले. और अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे लेना चाहिए, तो आप इस सिचुएशन में जरूर किसी डॉक्टर को दिखा ही रहे होंगे, तो उनसे पूछ लीजिएगा. तो मेरे ख्याल से तो वो मना ही करेंगे, तो आपको नहीं लेना चाहिए. एक ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि क्या ग्लूटाथियोन एक्ने पिंपल्स में काम करता है, उसको रिड्यूस करने में. तो देखिए अगर आपको बहुत कम एक्ने पिंपल्स है, 2-3 निकल आए कभी कभी, तो उसमें हो सकता है किसी तरीके से मदद करे. पर अगर आपके सिवियर एक्ने पिंपल्स है और आपको लग रहा है कि ग्लूटाथियोन लेने से वो लाइट भी हो जाएंगे, एक्ने पिंपल्स चले भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. सिवियर एक्ने में ग्लूटाथियोन काम नहीं करेगा. और अगर आपको सिवियर एक्ने पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरे भी बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स थे. देखिए ग्लूटाथियोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो पूरी आपकी मर्जी है. क्योंकि देखिए ग्लूटाथियोन का होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, किसी किसी को नहीं मिलता है, पर तो अगर रिजल्ट मिल भी रहा है ना, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा, आपको जिंदगी भर मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा. अगर आप 3-4 महीने के लिए भी इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स ले रहे हैं, उसके बाद भी फिर 5वें-6 महीने में आपको कम डोजेस में ग्लूटाथियोन लेना पड़ेगा, या फिर इंजेक्शन ले रहे हैं तो फिर 6 महीने में 3 इंजेक्शन, फिर आगे 7वें महीने में 2 इंजेक्शन, 8वें महीने में 1 इंजेक्शन, फिर मंथली, फिर हर एक महीने पर, जिंदगी भर का मेंटेनेंस है, खर्चा इतना ज्यादा है. तो पैसा अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, पैसा काट रहा है, बड़ी इच्छा हो रही है कि अरे मैं करवा लेती हूँ ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, या फिर मेडिसिन ले लेती हूँ, टैबलेट्स ले लेती हूँ,
तब आप इसके लिए जा सकते हैं. या तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़रूरत है इसकी, बहुत सही में ज़रूरत है, बहुत कि ज़रूरी हो गया आपकी ज़िंदगी में, तब आप इसके लिए जाइए. और देखिए, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है. अपनी डाइट आप क्या ले रहे हैं, सन प्रोटेक्शन होता है, प्रॉपर स्लीप होता है, प्रॉपर स्किन केयर, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी होती है. और अगर आप दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं, ग्लूटाथायन भी ले रहे हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे हैं, तब तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर चलो मैंने सप्लीमेंट्स ले लिए, कोई भी हो, अगर ग्लूटाथायन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, बायोटिन ले रहे हैं, कुछ भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, आप सोचे कि अरे मैं तो गार्बेज खाता रहूँगा, तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने हैं. सेलिब्रिटीज़ को इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो देखिए, पहली बात तो उनके पास पैसा बहुत है, दूसरी बात ये कि वो बाहर से करवा रहे हैं, तीसरी बात ये कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, डाइट बहुत अच्छी होती है, तभी इतना इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको उनकी स्किन में. आप देख रहे हैं कि पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हैं, तो यही सब रीजन्स होते हैं. तो इस चीज़ को समझिए. अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं ग्लूटाथायन, तो कम से कम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए. खाना पीना ठीक से खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, सन प्रोटेक्शन यूज़ करिए, अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स वाले. और फ्रूट्स ऐसे खाइए जो पिगमेंटेड, बहुत ही डार्क कलर के फ्रूट्स हो, जैसे अनार होता है, बेरीज होता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्किन में इंप्रूवमेंट आती है. तो मेरे ख्याल से मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे. और अगर आपका अभी भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. तो अब मैं जाती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.